माहवारी में सैनिटरी पैड्स का उपयोग स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, किंतु सैनिटरी पैड्स का अनुचित निपटान एक गंभीर समस्या है। प्रायः उपयोग किए गए सैनिटरी पैड्स को घरेलू कचरे के साथ खुले स्थानों पर या तो खुले नाले में फेंक दिया जाता है। इससे स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इस्तेमाल किए गए सैनिटरी पैड्स के निपटान के दो मुख्य उपाय हैं। पहला उपाय है कि सैनिटरी पैड्स को कागज में लपेटकर सही कूड़ेदान में डालें, और दूसरा उपाय है कि सैनिटरी नैपकिन को इंसिनरेटर यानी भस्म में जला दें। बिजली के इंसिनरेटर महंगे होते हैं, मटका यानी घड़ा इंसिनरेटर एक सरल और कम लागत वाला उपाय है। ये न केवल कम लागत के हैं, बल्कि पर्यावरण को भी हानि नहीं पहुंचाते, और इन्हें घर पर ही बनाया जा सकता है। इंसिनरेटर बनाने के लिए सबसे पहले एक मिट्टी का घड़ा लें और उसी आकार का गड्ढा खोद लें। चयनित स्थान ऊंचाई पर होना चाहिए। घड़े के ऊपरी भाग में 4 से 5 छोटे छेद कर लें, जिससे पैड्स को जलाने के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति हो पाए। इसी प्रकार घड़े के निचले भाग में भी 5 से 6 छेद करें, जिससे पैड जलने से निकलने वाला धुआं मिट्टी में ही शोषित हो जाए। घड़े के ठीक नीचे एक और छेद करें, जिससे वर्षा का पानी तथा पैड्स की राख घड़े से निकल जाए। घड़े को गड्ढे में रखने से पहले गड्ढे में कुछ ईंट के टुकड़े बिछा लें, जिसे यदि घड़े के इर्द गिर्द पानी हो तो ईंट के टुकड़े पानी सोख लेंगे और घड़ा सूखा रहेगा। पैड्स को घड़े में डालने के 3 से 4 दिनों के बाद उसमें नीम की अथवा अन्य सूखी पत्तियां डालकर जलाएं। घड़े को अच्छे से ढक लें, ताकि जलने पे घड़े से कम धुआं निकले, जिससे पर्यावरण कम प्रदूषित हो। 2 से 3 दिनों के बाद पैड्स को फिर से जलाएं, क्योंकि गीले पैड्स एक बार में पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं। अपने मासिक धर्म की स्वच्छता और साथ ही पर्यावरण का ध्यान रखें।